हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एको ने लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर रिजल्ट 2024 रिजल्ट हुआ जारी। मोबाइल से देखें मात्र एक सेकंड में अपना रिजल्ट बिना आईडी पासवर्ड के। सबसे पहले करें साथियों चेक, और यहां पर आप देख सकते हैं एक अभी नोटिस जारी किया गया, प्रेस नोट साथियों, कार्यालय पंजीयन शिक्षा विभाग परीक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से 6 जून 2024 का नोटिस आपका है। डीएलएड प्रथम वर्ष परीक्षा 2023 के नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम यानी कि फर्स्ट ईयर वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है। अभी सेकंड ईयर वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। आगे इसमें बताया गया है कि दिनांक 23/1/24 से लेकर 5/3/24 के मध्य जो यहाँ पर परीक्षाएं आपकी आयोजित करवाई गई थी फर्स्ट ईयर वाले अभ्यर्थियों के, इनका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। इसके लिए विद्यार्थी अपना परिणाम शाला दर्पण पोर्टल के डीएलएड टैब में जाकर स्टूडेंट लॉग इन आईडी से देख सकता है, और कतिपय कारणों से कुछ अभ्यर्थियों के परिणाम रोके गए हैं जो बाद में जारी किए जाएंगे, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं साथियों यहां पर कि आपके जो परिणाम है वो आप किस प्रकार से देख सकते हैं। ए टू जेड जानकारी आपको पूरा डिटेल के साथ देखने को मिलने वाली है। इसके बाद साथियों आपको करना क्या है, इसके बाद आपको अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर में जाना है, और यहां पर आपको RAJEEHM राज एग्जाम आपको डालना है। और जैसे आप इसे सर्च ओपन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फर्स्ट विंडो यहां पर नजर आएगी, आपको इस पर साथियों क्लिक करना है। जैसे आप इसको फर्स्ट विंडो को आप यहां पर इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और नया नेट एक और नई विंडो खुलकर नजर आ जाएगी, और इसको थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको साथियों जाना है स्टूडेंट कॉर्नर पर। जैसे स्टूडेंट वाले इस टैब पर आप जाते हैं तो आपके सामने एक और नई विंडो खुलकर नजर आ जाएगी, और यहां पर आपसे साथ इसमें आपका कुछ डिटेल मांगने वाला है। यहां पर आपका यूजर नेम, यहां पर आपका जो पासवर्ड है वो कैप्चा कोड, जो कैप्चा कोड है आपको इसमें डालना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पर साथियों अपना यूजर नेम पता नहीं है तो वो सर्च यूजर नेम से भी यहाँ पर इसमें क्लिक करके वो अपना यूजर नेम भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो जो भी आपका जैसे कि साथियों डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप इसमें सेलेक्ट कर लेना। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका कोर्स यहाँ पर है, डीएलएड है, डीएलएड संस्कृत है या अल्प भाषा वाला है, वो कर लेना। फिर इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट नेम, जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नेम आता है वो नेम, यहाँ पर एडमिशन सेशन आपका कौन सा है, 20-21 है, 21-22 है, 22-23 है, जो भी सेशन आपका है वो कर लेना। फिर इसके बाद कैंडिडेट नेम, जो आपका नेम है साथियों वो नेम यहाँ पर इसमें आ जाएगा, और यहाँ पर जो एक कैप्चा कोड नजर आ रहा है कैप्चा कोड इसमें डल जाएगा, और सर्च में आप क्लिक करना आपको अपना यूजर नेम साथियों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यदि बाई चांस मान लो साथियों आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड मालूम नहीं है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर भी क्लिक करके नहीं आप अपना पासवर्ड यहाँ पर साथियों चेक कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपना रिजल्ट इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ भी आपका वही डिटेल साथियों आपका सेम मांगने वाला है जो डिटेल आपका अभी मैंने इसमें बताया था। इस प्रकार से आप इसे लॉगिन पर क्लिक करके आप अपना कंप्लीट रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अभी केवल फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जारी हुआ है, सेकेंड ईयर वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी जल्दी देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। जय हिंद।